नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ऑन 11 और मैं हूं आपके साथ सानिया। बिहार में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सरकार ने चिंता जाहिर की है, जिसे लेकर परिवहन मंत्री संतोष निराला और सचिव संजय अग्रवाल ने भी इसकी विधिवत तरीके से शुरुआत भी कर दी है और शहर में ऑटो और ई रिक्शा की संख्या पर अंकुश लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। सूचना के जानकारी के मुताबिक परिवहन सचिव संजय अग्रवाल का कहना है कि बिहार देश में सर्वाधिक ई रिक्शा का परमिट देने वाला प्रदेश बन गया है, जिससे प्रदूषण के रोकथाम को लेकर भी चिंता व्यक्त जाहिर की है। आपको बता दें, 2 CNG पंप पटना में संचालित है और सरकार ने दावा किया है कि इस महीने के अंत तक 3 और CNG पंप स्टेशन खुल जाएंगे और जिस जगहों पर CNG खुलने की योजना तैयार की गई है उन जगहों का नाम भी हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला CNG पंप स्टेशन जो होगा वो सोनाली HPCL पेट्रोल पंप 0 माइल के पास खुलेगा। दूसरा जो होगा वो राकेश नवनीत HPCL सगुना मोड़ और तीसरा जो होगा वो संजीव यातायात दीघा बाटा फैक्ट्री के पास होगा। तो इस तरह से बिहार को प्रदूषण मुक्त राज्य के तैयारी में जुट गई है। साथ ही आपको ये भी बता दें, परिवहन मंत्री संतोष निराला के जानकारी के मुताबिक सरकार पहले सभी सड़कों का ऑडिट करेगी, जिसके बाद उसी के आधार पर डिवाइड फुटपाथ व ओवर ब्रिज का निर्माण भी किया जाएगा। परिवहन सचिव का कहना है कि बिहार में दुर्घटनाओं से होने वाली मौत में 3 साल में 50% कमी लाने की नीति बनाने जा रही है। वही बात रोड ऑडिट की करें तो 31 मार्च तक रोड सेफ्टी ऑडिट कर लिया जाएगा। वही सूचना के मुताबिक पटना में दिल्ली तक CNG वाहनों को लागू करना चाहती है सरकार, जिसे 5 स्थानों पर 25,000 से 32,000 में किट लगाने की तैयारी में है सरकार। आपको बता दें, CNG वाहनों के आने के बाद क्या क्या बदलाव हो सकती है। पहला जो बदलाव होगा वो कि CNG युक्त वाहन के परिचालन से प्रदूषण नियंत्रण के साथ राशि भी बचत होगी। दूसरी जो बात होगी वो कि CNG वाहन में प्रति किलोमीटर लागत पेट्रोल की तुलना में 30% से 50% तक कम आएगी। तीसरी बात, शुरुआती दौर में CNG की पेट्रोल चालित वाहनों में लगाया जाएगा, यह किट सभी प्रकार के पेट्रोल चालित कारों एवं ऑटो में लगाया जा सकता है। चौथी की वाहन के मॉडल और वेरिएंट के आधार पर CNG किट फिटमेंट का काम किया जाएगा। पांचवी की CNG 60.60 प्रति किलो, जबकि पेट्रोल 76 रुपए प्रति लीटर हो सकती है। सातवीं CNG किट लगाने में लगभग 5 से 6 घंटे समय लगेगा। तो इस तरह की तमाम सुविधाएं जो कि लोगों को जल्द ही दिलाएगी सरकार। तो इसी तरह के तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज ऑन 11। नमस्कार। न्यूज ऑन 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।